हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शबीसन और आप देख रहे हैं माफा अर्बन यूट्यूब चैनल की नई पेशकश। और आज इस वीडियो में मैं बतलाऊंगा कुवैत फिश मार्केट के बारे में। जैसे कि आपने बैकग्राउंड में देख रहे हैं और बैकग्राउंड में फिश मार्केट आप घूम रहे हैं, तो मैं आपको इसकी कुछ जानकारी जो आप जान करके हैरान रह जाओगे, तो इन्हीं सब जानकारियों को इस वीडियो में मैं बतलाऊंगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर के आखिरी तक बने रहिए। और अगर इसमें कोई भी फिश अगर आप जानते हो, उसका नाम जानते हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के उसका नाम जरूर बतलाइए हमारी जानकारी के लिए। और मेरी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं क्वेस्ट से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो लेकर के आता रहता हूँ जो आपके नॉलेज पर्पस से रहती है। और अगर आपको कोई भी क्वेस्ट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ या कोई भी जानकारी या कोई जॉब के बारे में या कोई भी रूल रेगुलेशन के बारे में जानकारी चाहिए, तो चैनल पे विजिट करके वीडियो आप देख सकते हो। और अगर आपको वो जानकारी नहीं मिलती तो आप कमेंट करो, मैं उस पर एक वीडियो नहीं लेकर के आऊँगा। आप जिस तरीके से देख रहे हो क्वेस्ट फिश मार्केट, आप मंडी में घूम रहे हो, तो आपको मैं बताता चलूँ कि जो चीज़ हैरान करने वाली बात है और जो इस वीडियो को बनाने पे मुझे मजबूर कर दिया, मैंने ज़रूरी नहीं समझा था कि फ़िश मार्केट की मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन मैंने व्यूवर्स के लिए इसलिए वीडियो बनाना पसंद किया क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी अच्छी लगी, इसके तहत मुझे वीडियो बनाने पे थोड़ा से ध्यान देना पड़ा कि इस पर भी एक वीडियो लेकर के आता हूँ मैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हैरान कर देने वाली कुछ चीज़ें। जैसे नंबर एक, हम पैसे से पहले बात करें नंबर एक की, तो वो नंबर एक है यहाँ की साफ सफाई। जी हाँ, यहाँ की साफ सफाई, मछली का एक भी काटा, एक भी उसका छिलका आपको कहीं फर्श पे नजर नहीं आएगा। मैंने कैमरे से भी दिखाया और दिखलाया भी आपको, और आपको बतला भी रहा हूँ, एक भी काटा, कहीं भी कोई गंदगी, खून, कहीं भी कुछ आपको नजर नहीं आएगी। सब तरफ से ये मार्केट पैक है और कुवैत कंट्री के फाहिल मंतके में ये मंडी है, और यहाँ पे आपको चीफ एंड बेस्ट क्वालिटी की फिश मिल जाएगी। और आपको इंडिया के तरीके से ढेरी लगा करके भी लोग यहाँ पे फिश बेचते हैं, और यहाँ पे किलो के हिसाब से भी फिश मिलती है। आप एक दो दिनार में 10 12 15 मछली या 2.5-3 किलो भी ले आओ, कितनी ले आओ वो ढेरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे परचेसिंग कर सकते हो, और कभी आपको आना हो तो फाहिल की ये फिश मार्केट जरूर घूमने जाए, या है तो तब भी घूमने जाए, आपको खुद ब खुद अंदाजा मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात थी कि फिश मार्केट की साफ सफाई, कोई भी गंदगी, कोई भी गर्दा, कोई भी पोल्यूशन यहाँ पे नहीं, एकदम फ्रेश। और दूसरी हैरान कर देने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे बहुत ही सस्ती और अच्छी मछलियाँ आपको मिल जाती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे ताज़ी मछलियाँ मिल जाती हैं। चौथी चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं ना, यहाँ पे कोई गर्दा गुबारा नहीं ना, कोई भी इस तरीके से आपको कोई भी खुले में कोई भी चीज़ ऐसी मिल नहीं रही है कि जहाँ मक्खी आए और भिन भिन आए। यहाँ पे आपको मक्खी नहीं मिलेगी, नहीं तो अक्सर मछली मंडी में भिन 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 मिलेगी, बहुत सी बदबू और अजीब तरीके से कितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग लो। लेकिन यहाँ पे आए हो तो एक एक दुकान पे जाकर के आप मछली देखना पसंद करोगे, आप भागना पसंद यहाँ से नहीं करोगे, मक्खियाँ आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो मुझे दिखी और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा ये एक्सपीरियंस और ये नॉलेज और ये वीडियो को जो मैंने बनाया है और जो देखा है इस सब चीज़ों को, तो मैंने कहा आप लोग तक भी ये बातें शेयर की जाए और आपको भी इस मछली मंडी से आगाह किया जाए। कुवैत देश एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ पे साफ सफाई के मसले में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ भी एक भी कागज़ का टुकड़ा आपको सड़क पे या कहीं भी मिलेगा नहीं। अगर आप गाड़ी से सफ़र कर रहे हो तो आपने एक पॉलीथीन रखी है, उसमें सारे कूड़े कलेक्ट करिए और जो इनका बॉक्स होता है कूड़े वाला, वहाँ पे आप जाके डाल सकते हो। वो गाड़ी आती है बलदिया की और वो उसको लेके जाती है, सेम जैसे कि नगर पालिका वगैरह भी अपने यहाँ काम करती है। तो यहाँ पे साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, और साफ सफाई किसको नहीं पसंद होती भाई, आप साफ सफाई करो ना करो, लेकिन आपको साफ सफाई पसंद जरूर होगी। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको दो तीन चीजें बतलाई मछली के बारे में। अगर आपको कोई भी मछली पसंद आती है या नाम उसका जानते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उसका नाम बताना मत भूलिए। और अगर क्वेस्ट से रिलेटेड कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं या कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो कमेंट करो आप भाई, मैं उस पर वीडियो जरूर और जल्दी से जल्दी लाऊंगा।
और ऑलरेडी क्वेस से रिलेटेड बहुत सी नॉलेज और बहुत सी जानकारी, बहुत सी जॉब्स के बारे में और ड्राइविंग के बारे में, ड्राइविंग रूल्स के बारे में, ड्राइविंग टेस्ट के बारे में, मेडिकल टेस्ट के बारे में बहुत सी वीडियोस आपको चैनल पे पड़ी हुई है। चैनल के लोगों पे क्लिक करिए और जाकर के अनलिमिटेड नॉलेज दीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से, अमाफा हर्बल से। चलिए आप वीडियो में एंजॉय करते रहिए और मछली मंडी की मजे लेते रहिए और मछलियों की पहचान करते रहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।